गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आप सब लोगों से मिलके बहुत खुशी होती है और हैप्पी वुमेंस डे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वुमेंस डे को सेलिब्रेट आप लोगों के साथ क्यों नहीं किया, तो मैं बता दूं, मेरे लिए हर दिन वुमेंस डे होता है। हर दिन महिला को एक दिन ही क्यों? क्योंकि सब कुछ तो वही संभालती है, घर में बाहर, और मैं तो ऑलवेज हमेशा मैं ही अकेले संभाल रही हूँ, तो मैं अपने आप को एक दिन क्यों दूँ? मेरे तो सारे दिन होते हैं। तो इसीलिए आप सब लोगों से यही कहना है कि आपका एक दिन नहीं, आपके बहुत सारे दिन हैं, है ना। और देखिए, ये मेरे घर पीछे का व्यू है, ये आर्मी है, और देखिए कितना सुंदर, मैं यहाँ से निकाल के दिखाती हूँ, कितना सुंदर ये गार्डन है। जस्ट इसके सामने मेरा घर है, और यहाँ है मेरा मंदिर। तो आप सब लोगों के साथ आके मुझे खुशी मिलती है, और यहाँ आके आप देख ही रहे होंगे मैं बिल्कुल फ्री माइंडेड हो जाती हूँ, हर काम से फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि कुकू को मम्मी पापा संभालते हैं और मैं फ्री लाइक अ बटरफ्लाई, उस टाइप का फ्री हो जाती हूँ। तो आप सब लोगों के साथ आने की एक खुशी, एक अलग ही खुशी होती है। और हमेशा गाइस, मैं आप सब लोगों को फिर वापस बोलती हूँ कि थोड़ा टाइम हमें अपने लिए निकालना चाहिए। जैसे मैं यहाँ आके अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ, देखिए ये वाइट हो गया मेरा कुकू को खिलाते खिलाते, तो अपने लिए मैं यहाँ टाइम निकाल रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, पता है, मैं जब इस घर में अनमेरिड थी, मैं रहती थी, सुबह वॉक पे जाती थी मैं यहीं पीछे आर्मी एरिया में, और इस टाइम शाम के टाइम हम लोग सदर में निकल जाते थे। सदर में मेरा जिम था, तो वहाँ सारा टाइम व्यतीत हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था। आप लोग को मैं बता दूँ कि मैंने अपनी लाइफ का इतना सुंदर फेस यहाँ पे कवर किया है कि जिसका कोई भी, मतलब मैं वापस चाहूँ ना कि वो टाइम वापस से रिवील हो जाए, तो वापस से रिवील नहीं होगा। और अगर ऊपर वाला मुझसे मांगेगा, मतलब मुझसे मांगेगा क्या, मैं अगर ऊपर वाले से कहूँगी कि मुझे ये वाला टाइम दे दे, तो वो मिल तो नहीं सकता, लेकिन मैं ऊपर वाले से पहले का टाइम वापस मांगूंगी। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, तो आप बताइए ये वाला टाइम मुझे आप दे सकते हैं जो मैंने इस घर में शादी से पहले गुजारा है? नहीं आ सकता कोई। मेरी लाइफ में रिवर्स गियर है ही नहीं, मुझे ऐसे ही चलना है और अपने हस्बैंड के साथ चलना है। मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ करती हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स रह गई हैं, या फिर जिनको जिन प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे पता ही नहीं है, बस उनसे मेरी हमेशा रक्षा कीजिएगा, और हमेशा मेरे को एकदम, कहते हैं ना, नारी सशक्तिकरण के लिए मैं खड़ी हूँ और वुमेंस के लिए खड़ी हूँ। और सबसे पहले किसी के लिए खड़े होने से बेटर ये होता है, मैं यही मान के चलती हूँ, कि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूँ कि मेरे जैसे लोगों के लिए, मैंने पता है सुबह से बाल कॉम भी नहीं किए, कि अपने से ज़्यादा लोगों की हेल्प करूं, क्योंकि दूसरों की हेल्प हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद स्ट्रॉन्ग हों, खुद हम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर हो, हम कुछ अचीव कर चुके हों। क्योंकि जब तक हम अचीव नहीं करेंगे, जब तक हम एक बुलंदी पे नहीं पहुँचेंगे, तब तक कोई हमें सक्सेसफुल मान ही नहीं सकता। तो अभी बहुत सारे काम करने बाकी रह गए हैं आप लोगों के साथ। सारी जर्नी मेरी, देखो, हॉस्पिटल की जर्नी है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरे बच्चे को मैं कैसे पाल रही हूँ, और आगे चल के मैं एक बिज़नेस वूमेन भी बनूंगी, और बहुत अच्छे बिज़नेस हम लोग डालने वाले हैं, जिसमें अच्छी लागत में मजदूरों की भी ज़रूरत होगी, अच्छी लागत में सब कुछ ज़रूरत होगा। मतलब ये सोशल मीडिया से रिलेटेड बिज़नेस नहीं होंगे मेरे को, मतलब हार्ड वर्क वाले बिज़नेस करना पसंद है, तो सारे बिज़नेस होंगे।
और उनके लिए भी मैं ब्लॉगिंग किया करूँगी। आपको मतलब मेरे चैनल पे जो मेरी जितनी हार्ड लाइफ रही है, जितना भी मैंने सर्वाइव किया है, अपने आप को, अपने बच्चे को मैं पाल रही हूँ, ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, सासू माँ की बोला आप लोगों ने, तो वो सासू माँ मेरी है, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ हर चीज़। हस्बैंड के लिए मैंने क्या बोल दिया यार, ऐसे ठीक है, उसके साथ मुझे रहना है, मैं जानती हूँ उनके साथ मुझे बाउंडिंग अच्छी बनानी होगी और मेरी बाउंडिंग उनके साथ बहुत अच्छी है, ईश्वर की दुआ से। इतना सब कुछ ख़राब होने के बाद भी वो आज मेरी आंखों में देख के सारा सब समझ जाते हैं कि क्या हुआ होगा, तो मुझे उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। रही बात, अब मैंने अकेले भी चलना सीख लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सारी चीज़ें अपने हस्बैंड के ऊपर डाली हैं कि उनको जो अच्छा लगे वो काम करें। मेरे साथ आने का फ़ैसला उनका खुद का फ़ैसला है। और कई सारे रिलेटिव्स हैं मेरी सासू माँ के पास, फ़ोन कर कर के पूछते हैं, और मेरी सासू माँ जैसा मैं समझती हूँ वही जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जिस दिन रेखा और प्रदीप मिलेंगे ना, तो सबको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक, तो मेरी सासू माँ से फालतू में झूठ बुलवाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैंने सुना है बहुत सारे लोग मेरी सासू माँ को सोशल मीडिया पे लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। भाई मेरे साथ तो आई नहीं यार, आपके साथ आ रही हैं। अगर मेरी सासू माँ मेरे लिए कुछ गलत बोलने के लिए, तो मोस्ट वेलकम, आ सकती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने का रास्ता फिर नहीं है। उनसे कह देना रिवर्स गियर नहीं है यहाँ पे भी। मेरी अगर जो ओहदा है, मेरी जो इज़्ज़त है, उसको वापस से अगर ख़राब करने की कोशिश करी गई, तो इस बार मैं स्टेप लूँगी, है ना। और वो भले चाहे कुछ भी हो, प्रदीप जी भी मना करेंगे ना, तो भी मैं रिवर्स नहीं होंगी। ठीक, तो इस चीज़ को खूब अच्छे से समझना। बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफ है, और आपने जब डिसाइड ही कर लिया है कि मुझे बदनाम करवाना है, तो मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मुझे ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है, वो भले चाहे मेरा अपना ही क्यों नहीं हो। ठीक, और हाँ मम्मी, मेरी मम्मी मुझे बुला रही है। तो गाइस चलती हूँ, मेरे चेहरे की रौनक आपको दिख गई होगी, ये सिर्फ एक दिन का फ़र्क है। एक दिन से मैं यहाँ पर हूँ मम्मी के घर पे, तो उसी दिन का फ़र्क है, देख लीजिए कितना अच्छा है। ना मेरी आई स्वेलअप हो रही हैं, ना कुछ हो रहा है, सब कुछ सही है। तो देख लीजिए कितना सब कुछ अच्छा होता है मेरे घर में, मेरी मम्मी के यहाँ। अब इस टाइम सब लोग यहाँ पे है ना घूमने निकल जाते हैं, सब लोग अच्छे अच्छे यहाँ पे, पता है यहाँ के लोग ब्लॉगिंग भी करते हैं हमारे सामने, पता है बच्चे ना डांस कर करके मतलब शूट्स करते, रील्स बना के ले जाते हैं। तो उन सब से भी मैं मिलाऊंगी जब मेरी शादी से पहले, मैं तो मतलब शादी से पहले जानती नहीं थी ये यूट्यूब क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो शादी के बाद ही जाना है ना। तो बहुत अच्छा लगता है अपने आप को इन चीज़ों में लाके। सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग मुझे समझते हैं, प्यार करते हैं, उन सबको देख के ऐसा लगता है रोज़ हाथ खड़े हो जाते हैं ब्लॉगिंग के लिए कि हाँ आज मैं इस टॉपिक पे ब्लॉगिंग करूँगी, वो करूँगी। और मैं लास्ट में सासू माँ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ रही है मेरे सामने, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, ठीक है मम्मी जी हैं, प्यार बहुत किया है जब से प्लांट्स दिए हैं। हालांकि पता है वो बहुत छोटी बात है, ऐसे प्लांट्स मैं हज़ार प्लांट्स ला सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, खैर जो भी हो। और मैं बस भगवान से अगर किसी सुहागन को एक आशीर्वाद देना चाहूँगी, जिसकी न्यूली शादी हो रही है उसको आशीर्वाद देना चाहूँगी, तो मैं बस यही कहूँगी कि ऐसी सासू माँ किसी को ना मिले, सच में ऐसी सासू माँ जिसके अंदर दिल नहीं है, जिसके अंदर धड़कन नहीं है लड़कियों के लिए, वो लड़कियों को कुछ नहीं समझती, सिर्फ कचरा समझती है, ऐसी सासू माँ किसी को ना मिले। दहेज में लेके जाएंगे हम कुकू को, वो कुकू को नहीं, कुकू के नाना को, कुकू तो मिला है मुझे विरासत में मिला है बाबू। फ्रेंड्स को हेलो कर दो, छोड़ के जाती है ये आजकल हमें, भाई हर बात पे छोड़ के जाती है आजकल। सो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, अच्छा है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, बाद में बात। तोड़ कुंतल, देखिए गाइस इतने बड़े
कार्टून में क्या आया है, ये तो बड़ा प्यारा सा गिफ्ट आया है ये तो बड़ा प्यारा सा गिफ्ट आया है हमारे लिए। कहाँ जा रहा है, कहाँ चलो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रही हो, डर रही हो, क्यों जा रही हो झूला में, इतनी रात में कोई झूला में जाता है, आबू होते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपने घर भरतपुर जा रही हूँ, यहाँ की बहुत सारी यादें लेके। टाइम इतना मिला ही नहीं कि मैं इधर उधर घूम के आऊँ, बस मैं 3:30 बजे करीब निकल जाऊँगी। उससे पहले ये वीडियो आ जाएगी, क्योंकि रास्ते में मुझे वाईफाई नहीं मिलेगा, उससे पहले ही आज वीडियो आ जाएगी। यहाँ से जब उधर की तरफ जाती हूँ तो मैं कोई दूसरी रेखा बन जाती हूँ, बहुत मतलब अपने कंधों पे इतनी सारी जिम्मेदारी लिए हुए एक वो मासूम सी औरत जो इतना सब कुछ झेल रही है, क्योंकि यहाँ की जिम्मेदारियाँ यहीं ख़त्म हो जाती हैं। मायका तो सिर्फ एक खुशियों के लिए होता है कि हाँ आके थोड़ा यहाँ रिलीफ मिला, दिल को और दिमाग को थोड़ी शांति मिली, बस यही है। और खाने में मम्मी बना रही हैं मेरी फेवरेट मिक्स दाल और चावल। मम्मी ने स्पेशली कहा है कि चावल कम खाया करो, तो अब मैं भरतपुर जाने के बाद चावल छोड़ दूँगी, कोशिश यही रहेगी, क्योंकि चावल मेरा इतना फेवरेट है ना कि बिना चावल के मैं बंगालीज फैमिली के साथ ज़्यादा रही हूँ। कुको क्यों चीख रही हो, नाना को नाना के घर से भगा रही है कुको। बस थोड़ा सिर में दर्द है मुझे, इसलिए आज मैं अभी तक लेटी हुई हूँ, उठूंगी। और आप सब लोग खुश रहें, और मेरा किसी से यहाँ कोई भी मतलब नहीं है, मैं किसी को दुखी नहीं कर सकती और ना मैं करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे अगर मैंने किसी के लिए कुछ गलत कहा हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, करना बहुत कुछ है, किसके लिए करना है, इन्हीं चीज़ों में फंसी रह गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगने लगी है, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू, आप लोगों ने अपने दिलों में मेरे मुझे और मेरी बेटी को जगह दी और हमें बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही अपना खूब सारा प्यार, मेरी रील्स जो कि बहुत इनोसेंट सी होती हैं उन पर भी अपना प्यार दिया कीजिए, क्योंकि मुझे डांस वांस करना नहीं आता, एक्टिंग वैक्टिंग करनी नहीं आती, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ अभी, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसमें भी थोड़ा सपोर्ट डालें। और बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है हमें यूट्यूब से, थैंक यू सो मच गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बस मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, होप सो आज की ब्लॉगिंग आपको समझ आए, पसंद आए, थैंक यू गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए मानसवी ब्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, बाय ऑल ऑफ यू।